नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले अपन प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ वाइज बताती जाऊँगी, फिर इधर एल्डिहाइड और इधर कीटोन. फेलिंग सॉल्यूशन, मैंने फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग रिएक्शन में आपको बताया एल्डिहाइड के केस में रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ, लेकिन इन द केस ऑफ कीटोन नो रिएक्शन इज सीन और वी कैन से दैट नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. नेक्स्ट विथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3. अब आपको पता है कि एल्डिहाइड जो है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म के कन्वर्जन में आपने पढ़ा था कि जब भी क्लोरोफॉर्म CHCl3 एसीटोन से रिएक्ट करता है तो क्लोरीटोन का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड डू नॉट रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, वेयर एज कीटोन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म टू गिव क्लोरीटोन. नेक्स्ट रिडक्शन. अब मैंने आपको कल बताया था कि अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड. फिर रिवर्स यदि साइकिल चलाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से डायरेक्ट आपको क्या मिल सकता है? अल्कोहल. या एल्डिहाइड के रिडक्शन से भी आपको कौन सा मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल. लेकिन कीटोन के रिडक्शन से ध्यान रखना कौन सा अल्कोहल मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल. फिर टॉलिन रिएजेंट से रिएक्शन होगी तो एल्डिहाइड में सिल्वर मिरर ऑप्टेन होगा, मीन्स प्रेसिपिटेट सिल्वर के सेटअप हो जाएंगे, लेकिन कीटोन के केस में ये कंडीशन ऑप्टेन नहीं होगी. फिर फिजिकल स्टेट पर ध्यान रखना, एल्डिहाइड इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, वेयर एज कीटोन में भी एग्जिस्ट एज कलरलेस लिक्विड. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट हैपन वैन कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड अलोन. कैल्शियम फॉर्मेट को आपको क्या करना है? हीट. अब कैल्शियम फॉर्मेट कैसे बनेगा? मैं किसी एक का फॉर्मेट बता देती हूँ, या तो जैसे कैल्शियम फॉर्मेट बता देती हूँ, कैल्शियम बेंजोएट में से बता देती हूँ, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, उसके बाद ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट और एसिटिलीन रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस of H2SO4 and HgSO4. अब कैल्शियम फॉर्मेट कैसे ऑप्टेन करोगे? जो फॉर्मिक एसिड है HCOOH, दो फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल लेना HCOOH. अब यहाँ पे क्या करना, आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके, क्योंकि ये एसिड है, इसका डिकम्पोजिशन कैसे होगा? HCOO- और H+, तो H+ यहाँ से और H+ यहाँ से, दो H+ निकलेंगे आपके, तो HCOO और HCOO दोनों पे क्या बचा? माइनस माइनस. ये दो माइनस CA से कंबाइन हो गया क्योंकि CA पे 2+ होता है, तो ये बन गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट. जब कैल्शियम एसीटेट होगा तो यहाँ CH3 हो जाएगा, जब कैल्शियम बेंजोएट होगा तो यहाँ C6H5 हो जाएगा. मीन्स दो आपको ये ध्यान रखना है कि कैल्शियम जो है वो दो बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे दो ऑक्सीजन होंगे, एक कार्बन और उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट या तो हाइड्रोजन होगा या मिथाइल ग्रुप होगा या फिनाइल ग्रुप होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट उसका नोमेनक्लेचर होगा. सबसे फर्स्ट कैल्शियम फॉर्मेट को अपन हीट कर रहे हैं. कैल्शियम फॉर्मेट मीन्स क्या होगा? HCOO CA और नीचे HCOO. मैंने आपको पहले भी बताया इस टाइप के कंपाउंड को जब भी अपन हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑलवेज फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट, या इसका ड्राई डिस्टिलेशन जब भी होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होगा. लेट सी हियर, इट इज कैल्शियम फॉर्मेट. ये क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट. ठीक, ये क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट. कैल्शियम फॉर्मेट का जब भी ड्राई डिस्टिलेशन हो रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो रहा है और HCOOH तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है. अब यही रिएक्शन जब आप कैल्शियम बेंजोएट, सेकेंड आपका था कैल्शियम बेंजोएट को आपको हीट करना है, तो कैल्शियम बेंजोएट का जब ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा, फिर यहाँ से बचा C6H5CO6H5. ठीक है, बेंजो और फिनॉन, बेंजोफिनॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ? फॉर्मल्डिहाइड का. फिर थर्ड में आपको बोला था कैल्शियम फॉर्मेट के साथ रिएक्शन करनी है कैल्शियम एसीटेट. ये है आपका कैल्शियम फॉर्मेट और ये आपका कैल्शियम एसीटेट. ये रिएक्शन मैंने आपको कन्वर्जन में भी बताई थी, इसमें कुछ नहीं करना है. CH3CHO, तो CH3CHO मीन्स एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और कितने मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल. और CaCO3 के दो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे एज इट इज़. नेक्स्ट है आपका ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेंजोएट, तो ये कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट, तो C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाला पूरा और ये वाला यहाँ से पूरा, तो कितने कैल्शियम है? देखो दो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम दो और CO3, CO और ये O, CO3, फिर ये वाला कैल्शियम और CO और ये O3,
ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल्स का एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। और लास्ट आपका था एसिटिलीन रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। एसिटिलीन की रिएक्शन वाटर से हो रही है H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंट में। तो क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर चला जाएगा और ये OH इस कार्बन पर चला गया। इट मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CHOH विनाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। जब इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो किस कार्बन के पास चला जाएगा, इस वाले कार्बन के, तो यहाँ पे CH3 हो गया। ठीक, ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन से ही जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पे CH3 हो गया तो CHO बचा। ये हाइड्रोजन यदि उधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे CHO बचा, तो CHO मींस रीअरेंजमेंट पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, वो भी कौन सा एल्डिहाइड, एसिटल डिहाइड। और IUPAC नॉमेनक्लेचर यदि आप इसका बताओगे तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनल। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि यदि ड्राई डिस्टिलेशन हो या हीटिंग हो, ऑलवेज यदि कैल्शियम फॉर्मेट हो, कैल्शियम बेंजोएट हो, कैल्शियम एसिटेट हो, तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑलवेज फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट। और जब दो एसिटेट या दो बेंजोएट या दो फॉर्मेट इस टाइप के, जैसे आपने बेंजोएट के साथ एसिटेट ले लिया, फॉर्मेट के साथ एसिटेट ले लिया, तो उस केस में ऑलवेज एल्डिहाइड फॉर्म होगा। जैसे इसमें भी एल्डिहाइड बना है और इसमें भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, और बाय प्रोडक्ट में तो ऑलवेज कार्बोनेट ऑब्टेन होगा कैल्शियम का।